वेलकम गाइस, आई टी एल पर वीडियो में ओप्पो का फ़ोन। इसके अंदर अगर जो है अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई है, गाइस कस्टमर आ गया था, तो इसके अंदर अगर आपको जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई तो कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो स्टेप बताऊंगा वो स्टेप सेम फॉलो करना है और आपकी जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी 100%। ठीक है, बस आपको स्टेप फॉलो करना है, तो वो सेम स्टेप फॉलो करें आप। तो चलते हैं हम फ़ोन की सेटिंग के अंदर। अभी सारे आइकन जो है आपको अदर लैंग्वेज में शो हो रहे होंगे। कुछ ही ऐप होंगे जिसके अंदर जो है आपको प्रॉपर लैंग्वेज आपको शो हो रहे होंगे। तो जैसे स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ सेम फॉलो करना। तो सेटिंग के अंदर जाएंगे हम, सेटिंग के अंदर आ गए। ठीक है, आप स्लाइड करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी जो है सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है आपको ऊपर की साइड। ये देखें, दोनों तरफ से आप सेटिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं, किसी तरफ से भी आप करें। ठीक है, सेटिंग आगे सबसे नीचे आ जाना डाउन साइड पे और यहाँ से काउंट करना आपको 1 2 3 4। फोर्थ नंबर पे ये देखें, ये सर्कल आएगा, ये सर्कल फोर्थ नंबर पे। ठीक है, सेटिंग वाला आइकन, तो आपको इस पर टच कर देना है। जब आप इस पर टच करेंगे तो फिर आपको ऊपर से काउंट करना है 1 और 2। 2 पे जो भी लैंग्वेज आएगी आपको उस पर टच कर देना है। ठीक है, फिर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको शो होगा आपको उस वाले ऑप्शन पर टच करना है। यहाँ पे नीचे ग्रीन कलर का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर टच करना है। ठीक है, अब यहाँ से जो भी लैंग्वेज आपको इसमें ऐड करनी है तो यहाँ से ऐसे यस कर देंगे तो देखो ये लैंग्वेज चेंज हो गई। ठीक है, ये अभी लैंग्वेज चेंज हो गई है इसकी। अब जो है यहाँ पे माइनस का ऑप्शन है, जो लैंग्वेज आपको रिमूव करनी है या इसको ड्रैग करके ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे फिर से ऑप्शन आएगा रेड कलर का, आपको इस पर टच करना है। ठीक है, और ये जो माइनस का ऑप्शन है यहाँ पे रेड कलर का, आपको इस पर टच कर देना है तो वो लैंग्वेज हट जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।